विश्वास नहीं होता कि यह दवाई दी जा रही थी मिस्टर महेंद्र ठाकुर को। जांच से पता चला कि यह दवाई नहीं जहर है। हस्बैंड जी, तुम्हारे मां के इतने रंग हैं जितने तो रणवीर सिंह के कपड़ों में भी नहीं होते। बोलिए मां, बोलिए, क्या ये सब? कहां से लाई थी दवाई आप? सच को प्रमाण की जरूरत नहीं है यश। तुम क्या चाहते हो कि बाहर से आया गया कोई भी डॉक्टर यहां आकर तुम्हारे बाबूजी का इलाज कर सकता है? हमें भरोसा है सिर्फ और सिर्फ हमारे खानदानी वेजी और उनके चमत्कारी दवाइयों पर, और वो ही तुम्हारे बाबूजी का इलाज करेंगे। सुना तुम सबने? बस करो मां। अरे बंद करो ये बुढ़िया और चमत्कार के पीछे भागना। इतनी जल्दी कैसे भूल गई आप मां? आपकी इसी जिद में आपने टोने टोटके वाले दवाइयां सुधा को खिला खिलाकर उसकी कोख हमेशा के लिए सुनी करती थी आप। माँ जननी होती है, जन्म देती है। आज तुम हम पर, अपनी माँ पर यह आरोप लगा रहे हो कि हमने पहले से ही जानबूझकर इस घर के वारिस के होने का रास्ता खत्म कर दिया था, और अब हम अपने सुहाग को खत्म करना चाहते हैं। क्या कह रहे हो तुम यश? ठीक है मामा, मैं मानता हूँ आपने बाबूजी को दवाई भूल से खिलाई होगी, लेकिन आइंदा भगवान के लिए दवाइयाँ बाबूजी को मत खिलाना प्लीज। बल्कि मैं कह रहा हूँ आज के बाद बाबूजी का इलाज सिर्फ डॉक्टर बन से। नहीं, कभी नहीं। हम भरोसा करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे वेजी पर और उनकी दवाइयों पर। हम जानते हैं कि आप भी उन्हीं दवाइयों पर भरोसा करते हैं। हम आपके जीवन साथी हैं ना, और आपको भी भरोसा है कि आप वही दवाइयां खाकर एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, है ना जी? बोलिए ना, बोलिए ना। डॉक्टर साहब, बाबूजी को देखिए ना, लगता है दौरा पड़ा है। नहीं नहीं नहीं, ये डर रहे हैं। डर रहे पर किससे? ठकुराइन जी से। क्या? देखिए वजह जो भी हो, लेकिन महेंद्र ठाकुर जी के अच्छे इलाज के लिए जरूरी है कि ठकुराइन जी कुछ समय के लिए इनसे दूर रहे। क्या कह रहे हैं आप? हम अपने पति से दूर? हम ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, बाबूजी की सेहत के लिए जो अच्छा होगा हम वो करेंगे, है ना मां? यश जी, ये तो अच्छा हुआ हमें उस दवाई का समय से पता चल गया, और इनको ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। इस दवाई को इनको समय से देंगे तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और हो सकता है बोलने भी लगे। थैंक यू डॉक्टर। अगर ठाकुर साहब बोलने लगे तो सबसे पहले वो मेरा सच सबके सामने बोलेंगे, एक के बाद एक सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों जा रहा है? अब कैसे ठीक करूं मैं ये सब, कैसे? बाबूजी ठीक हो जाएंगे ये सुनकर माँ खुश होने के बजाय परेशान क्यों लग रही है? हे भगवान, मुझे मेरे बोलने की शक्ति वापस दे दो, ताकि मैं ये सच सबको बता सकूं कि ये झूठी औरत मेरी पत्नी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा अग्नि कहाँ चला गया, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। माई, वो देखिए,
नहीं। मन की आवाज को सुन तू, किसी के रोके मत रोक तू। धरती हिला, बादल गरजा, नदी बहा, तूफान ला, मन की आवाज को सुन तू। पकड़ो इसे। माई, ये ठीक तो है ना? हाँ, ये तो शुभ संकेत है। इसे इसकी सांसें वापस मिल गई। इसकी धड़कनों ने फिर से धड़कना शुरू किया। मुझे भरोसा है जिसकी पुकार ने इसे मौत से लड़ने के लिए मजबूर किया, इसके बेजान शरीर में जान फूंक दिया, अगर वो फिर से इसकी जिंदगी से जुड़ जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। भगवान करे वो शक्ति जल्द से जल्द इसके जीवन में वापस आ जाए। नानी, मैं चलती हूँ। तुम डोरी का ध्यान रखो, मन्ने और बाकी लड़कियों को भी घर पहुंचाना है। बहुत धन्यवाद। नानी, अब आप मुझे कहीं मत भेजना। मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगी, कभी ज्यादा रोटी नहीं मांगूंगी, तुम्हारे दांत भी नहीं छुपाऊंगी, कोई सवाल जवाब भी नहीं करूंगी, आंखें नीचे और मुंह बंद रखूंगी। पर मुझे कभी अपने घर से दूर मत भेजना नानी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने घर में ही रहने देना। तू माफी मत मांग, मेरी गलती की माफी तू मत मांग बेटा, सारी गलती मेरी है। मैं पागल हो गई थी उस नीलुआ के बाद आ गई थी, बुढ़ा गई हूं ना, बुढ़ा गई हूं, तू मुझे माफ कर दे, अब मैं कभी अपने आप से तुझे दूर नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ डोरी, कभी दूर नहीं करूंगी, कभी दूर नहीं करूंगी, कभी दूर नहीं करूंगी, कभी आएगी। भूख लगी होगी ना? खाना है तो ठीक है नानी, वरना मैं जिद नहीं करूंगी, मैं भूखी रह लूंगी। ये क्या कर रही हो नानी? मैं देख रही हूँ कहीं हमारी नासपिटी बदल तो नहीं गई। ये संकटा मैया ये खाने को मना कर रही है। बैठ, ठीक से बैठ, तेल बनाती हूँ, खाना लाती हूँ। ये मोरी माई, डोरी तू ठीक तो है ना? हाँ सत्तू, हे मोरी माई। हे देख, टमाटर की सब्जी। हाँ,
टमाटर की सब्जी और रोटी अपने हाथ से बनाई है, अपने हाथ से ही खिलाऊंगी। ले खोल। अगर मैंने तेरी उंगली पे काट दिया तो? हाँ, तब समझूंगी कि हमारी नासपीटी वापस आ गई है। नानी, नानी आप खाओ। ले। नानी तू भी वो सुना ना जो बाबा रोज सुनाते थे, मन की आवाज सुन तू, किसी के रुके पे ना रुके तू, वो वाला। धरती हिला, बादल गरजा, नदी बहा, तूफान ला, झुकती से जल, सूरज से रोशनी ले तू, मन की आवाज सुन तू, रोके से ना रुक तू। सच है, मुश्किल जब आती है कायर को डराती है, पर वीर नहीं घबराते हैं, कांटों पे भी अपनी राह बनाते हैं। शस्त्र उठा, प्रहार कर, सबसे पहले वार कर तू, मुंह से कभी तूफ न करना, संकट में मुड़कर सागर में न बहना, अग्नि से धधक धधक, हिरण से सजग सजग, सिंह से दहाड़ कर, शंख जैसी पुकार कर, प्यार की तू डोर बन, डोरी से अटूट बन, मन की आवाज सुन तू, किसी के रोके न रुक तू, किसी के रोके न रुक तू, किसी के रोके न रुक तू।